कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। ऐसे में उनके द्वारा एक सूची जारी की गई जिसमें कांग्रेस उत्तर प्रदेश के 3 नेताओं को दूसरे राज्य के कोटे से राज्यसभा भेजना तय हुआ। दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी को कांग्रेस ने राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं मुरादाबाद लोकसभा से 2019 में अपनी जमानत जब्त कराने वाले इमरान प्रतापगढ़ी भी राज्यसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं। बस सारा विवाद इसी बात का है। इमरान प्रतापगढ़ी को उम्मीदवार बनाए जाने से कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं और ये नाराज नेता अब खुलकर सामने भी आने लगे हैं। पहले जहां कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्विटर पर लिखा था कि शायद मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, और उनके इस ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता और एक्टर नगमा ने लिखा था कि हमारी भी 18 साल की तपस्या इमरान भाई के आगे कम पड़ गई। लेकिन ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर महाराष्ट्र के कतोल से पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष राव देशमुख ने मंगलवार को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया है। इसके साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य विश्वबंधु राय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। राय ने पत्र में लिखा कि राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र के कोटे से इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा जाना स्थानीय नेताओं के साथ अन्याय है। उन्होंने अपने पत्र में सवाल पूछा कि क्या पार्टी आलाकमान केवल दिल्ली में दरबारी करने वालों को ही निष्ठावान और पार्टी को मजबूती देने के लिए योग्य समझती है। पार्टी कार्यकर्ता इसलिए मुस्लिम तुष्टिकरण के नजरिए से देख रहे हैं। प्रतापगढ़ी को निशाने पर लेते हुए राय ने आगे लिखा कि वह जुम्मा 4 दिन पहले पार्टी से जुड़े हैं। मुरादाबाद लोकसभा से वह लगभग 6 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हार चुके हैं। वह अब तक एक भी नगर निगम चुनाव नहीं जीतवा पाए हैं, फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और अब उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा रहा है। आपको बताते चले कि देश के 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव 10 जून को कराए जाएंगे। नामांकन भरने की आज यानी 31 मई आखिरी तारीख है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।